और हमारे साथ आपको बता दें बीजेपी के हरीश खुराना जी जुड़ गए। हरीश जी, क्या कुछ ये चल रहा है, आखिर क्यों नहीं उनके शिक्षकों को फिनलैंड भेजा गया, हालांकि ये एलजी के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता, ऐसा दिल्ली के मुखिया का कहना है अरविंद केजरीवाल का। देखिए, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को संविधान संस्थाओं पर विश्वास नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी से क्या मांगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, कॉस्ट एनालिसिस शीट ही तो मांगी है, क्या मांगा है? अपने ऊपर ईगो ले लेना, विकास का काम ना करते हुए इस तरह के ड्रामे क्रिएट करना, आपको क्या प्रॉब्लम है कॉस्ट एनालिसिस शीट देने के अंदर, क्या इसके अंदर वो आती है? और दूसरी बात, आपको इतनी ईगरनेस है कि उनको विदेश भेजना है क्योंकि आपका काम रुक रहा है, तो मुझे बताइए कितने आज जो 6 महीने से यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं जो दिल्ली सरकार के तहत आते हैं उनको सैलरी नहीं मिली है, क्यों नहीं सैलरी मिली, सवाल इस चीज का है। 57 स्कूल के डीडीए की लैंड आपके पास पड़ी हुई है, आपने एक स्कूल नहीं बनाया, विकास का काम आप करते नहीं, लेकिन आप इस तरह के ड्रामे करना, इस तरह के संविधानिक संस्थाओं के साथ मजाक उड़ाना, उसके साथ ये ड्रामे करना, ये दिखाता है कि आपको जरा भी विश्वास नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन की ढांचे ऊपर, सवाल इस चीज का है। जी हरीश जी, सवाल आप लोगों का यही है, लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि ये जब उनके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं तो इसे फिर रोकने की वजह क्या है, और क्या जब बीजेपी के नेता, तमाम बड़े नेता हैं, जब वो जो है कि टूर करते हैं, उनका रोड शो होता है, तो क्या उसका एनालिसिस मांगा जाता है, तो फिर शिक्षकों के खर्च पे सवाल क्यों, उनके दौरे पर सवाल क्यों, उन्हें क्यों रोका जा रहा है, ये तो बच्चों के भविष्य का सवाल है। देखिए, संविधान साफ में साफ लिखा है दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये आज से नहीं लिखा, 1993 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भी यही था, जब शीला दीक्षित जी 15 साल राज किया तब भी यही था, और आज जब अरविंद केजरीवाल जी 8 साल से, तब भी ये संविधान में साफ लिखा है दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और आपको फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर भी परमिशन लेनी जरूरी है, ये साफ लिखा हुआ है, लेकिन आपको एज यूजुअल हर बार की तरह कॉन्स्टिट्यूशन संस्थाओं के ऊपर आपको विश्वास नहीं है, और आप किस तरह के रोज नए ड्रामे क्रिएट करते हैं। आज जब सवाल पूछा जा रहा है कि दिल्ली का विकास क्यों नहीं हो रहा, दिल्ली का पॉल्यूशन हमने ला दिया, भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही है, आप जरा बताइए कि 70% बच्चे 50% से नीचे रिजल्ट आ रहा है, बच्चे फेल हो रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं तो आप इस तरह के ड्रामे क्रिएट कर रहे हैं। जी हरीश जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो जोरदार हंगामा चल रहा है यहाँ, बच्चों के भविष्य और आम लोगों की किसी को चिंता नहीं है, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी, दोनों ही धरना प्रदर्शन करने में लगातार जमे हुए हैं, और दिल्ली की सड़कें जो हैं इनके विरोध प्रदर्शन की वजह से इस वक्त हलचल में बनी हुई है। एक तरफ विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, दूसरी तरफ शिक्षकों को फिनलैंड नहीं जाने देने का विरोध कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, और खुद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो हैं वो इस विरोध प्रदर्शन के फिलहाल अगुवाई कर रहे हैं। और इसी बड़ी खबर के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।